हे गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल आर डूइंग ग्रेट सो ये ये ब्यूटीफुल सा करवा चौथ मेकअप मेकअप लुक लुक है एंड मैंने सिर्फ एक चीज दिमाग में रख के बनाया है कि जिसको कुछ भी नहीं आता एटलीस्ट वो भी अपना मेकअप खुद से कर पाए बिकॉज बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता लेकिन मेकअप करवाना अच्छा लगता है लेकिन क्या होता है कि आप बार बार मेकअप नहीं करवा सकते या आप बार बार ब्यूटिशियन को घर में नहीं बुला सकते तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अटलीस्ट इतना मेकअप तो कर लो कि खुद के लिए आपको सेटिस्फाई आप हो जाओ कि नहीं मेरा

अंडर आई में भी लगाना है एंड उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक और चीज़ ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ही जेंटली आपको बस खाली पुश करना है हल्का हल्का आपको बहुत हल्के हाथ से यूज़ करना है अगर ज़्यादा रगड़ोगे तो फिर निशान पड़ जाएगा सो मेक श्योर बहुत ही प्यार से और बहुत ही जेंटल वे में इसको आप यूज़ करो इसके बाद हम कॉम्पैक्ट uh, या पाउडर जो भी है ना उसकी हेल्प से उसको सेट कर लो कोई भी कंसीलर हो चाहे फाउंडेशन हो लगाने के बाद हमेशा पाउडर से उसको लॉक जरूर करो सेट जरूर करो ताकि वो क्रीज

तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा मोटा ही फिल करती हूँ इस तरीके से कुछ एंड इसके बाद आपके पास अगर ऐसा ब्रश हो इसकी हेल्प से आप इसको कॉम आउट कर लो जिससे कि जो हार्श शेजेस हैं वो ठीक हो जाए इसके बाद मैंने उसमें से जेल लाइनर लिया है जो कि मैंने लगाया है एज अ लाइनर पहले इसको एज अ लाइनर लगाएंगे एंड इसके बाद हमको इसको ब्लेंड करना है बहुत इजी मेकअप लुक है बहुत इजी मेकअप लुक है यहाँ पर हमने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया जेल आईलाइनर है ब्लेंड बहुत जल्दी हो जाता है बहुत अच्छा आप काजल लगा सकते हो इसकी जगह अगर आप चाहो तो इसके बाद मैंने एक ब्राउन सा कलर लिया उससे ब्लेंड किया उसके बाद मैंने एक हल्का सा पिंक सा कलर लिया पिंक मतलब थोड़ा पीच वाला कलर लिया और उससे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया आप देख सकते हो इससे हमारा थोड़ा पीची स्मोकी लुक आ जाएगा आंखों का तो इसको पहले अच्छे से ब्लेंड करना है सो so दैट लगे कि जितने भी कलर्स आपने यूज किए हैं उठाए हैं वो सारे एक में हैं और अच्छे से लग रहे हैं दूसरी आंख में भी सेम चीज रिपीट करेंगे पहले जेल आईलाइनर लगाएंगे उसको अच्छे से स्मच करेंगे स्मच करने के बाद पहले ब्राउन कलर लेंगे ब्राउन कलर के बाद आप कोई पीच शेड या रस्ट शेड ऐसा करके कोई शेड ले सकते हो और यहाँ पर ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान देना है क्योंकि यार देखो हमको मेन मेकअप ही सॉरी आई मेकअप ही अच्छा करना है तो ब्लेंडिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है तो इस तरीके से हमारा आई मेकअप ये लगभग कंप्लीट हो गया अब हम लगाएंगे काजल बिकॉज काजल तो बहुत जरूरी है वैसे भी काजल से एक अलग ही लुक आता है बहुत सारे लोग काजल नहीं लगाते क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता काजल तो अच्छा ही लगता है यहाँ पर हम आई लैशेज लगाएंगे इसके बाद बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है मुझे कम से कम छः महीने तो हो गए लैशेस लगाए छः महीने से ज़्यादा ही हो गए मैं लैशेस लगाती ही नहीं हूँ पहले मैं ना रेगुलर वीडियोज़ में भी लगाती थी अब बिल्कुल नहीं लगाती इसके बाद मैंने यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ किया है और ये लैशेस भी मेरी सालों पुरानी है यहाँ पर मैंने मामा अर्थ का फाउंडेशन यूज़ किया है बहुत अच्छा सा है एंड इस तरीके से मैंने इसको कुछ ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छी जल्दी ब्लेंड ब्लेंड हो गया एंड एक अच्छी चीज ये थी कि बहुत लाइट वेट लग रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई परत लगाई है इसके बाद तो मैंने कहा था ना कि पाउडर से सेट से करना जरूरी है तो यहां पर मैं ना बनाना पाउडर से इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से सो दैट जो मेरा फाउंडेशन है ना वो सही से लगे इसके बाद मैंने ये सुपर डुई ब्लश निकाला जो कि बहुत अच्छा है मैंने टीरा ब्यूटी से ऑर्डर किया था एक अच्छा ब्लश है मुझे लगा ज्यादा अच्छा होगा नहीं तो मैंने ना थोड़ा ज्यादा ले लिया फिर मुझे एहसास हुआ यार ये इतना महंगा है तभी तो इसको हल्का सा ही यूज करना था मैंने थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया तो अगर आपको कम लाल चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो कम यूज कर सकते हो थोड़ा सा ना ये पिंक सा शेड है थोड़ा सा मोव uh, सा शेड है इसका अच्छा सा इसके बाद मैंने ब्रॉन्जर से किया मैंने हुला के ब्रॉन्जर से uh, अच्छे से ब्रॉन्ज कर लिया ताकि जो फेस है उसमें एक अच्छी सी शेप दिखे इसके बाद लिप लाइनर यूज़ किया स्विस ब्यूटी का मुझे आजकल लिप लाइनर यूज़ करना बहुत अच्छा लग रहा है पहले नहीं अच्छा लगता था बट अब अच्छा लग रहा है तो मैं लिप लाइनर मैंने यूज़ किया इसके बाद मैंने इसके अंदर लिपस्टिक फिल की पहले लिपस्टिक फिल की लेकिन फिर सेटिस्फाई नहीं हुई मैं मुझे मतलब लगा कि यार करवा करवाचौ मेकअप लुक है और मैं क्यों थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में जा रही हूँ तो मैंने फिर रेड लिपस्टिक लगा ली और ये कुछ ऐसे लग रहे हैं इसके बाद मैंने हाइलाइटर लगा लिया मेबेलिन मास्टर क्रोम बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छा हुआ था इतना शाइनी लग रहा था ये मेकअप थोड़ी देर बाद कि मैं आपको क्या ही बताऊं वैसे भी जब आप मेकअप कर दो ना तो 10 15 मिनट उसको रेस्ट करने दो 10 15 मिनट बाद वो मेकअप इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने अपनी ब्रोबोन पे भी लगा लिया है जैसे कि वो भी थोड़ी सी चमके थोड़ा सा नोज पे लगा लिया है इस तरीके से मैंने हाइलाइटर लगा के अपना ये सारा काम खत्म कर दिया है इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे बिंदी क्योंकि बिंदी तो एक पूरे लुक को ना चेंज कर देगी अभी आप देखना ये देखो पूरा लुक चेंज हो गया एक सेकंड के अंदर बिंदी लगाते ही एंड वैसे भी ना आदत पड़ चुकी बिंदी लगाने की तो बिंदी के बिना अच्छा भी नहीं लगता तो यहाँ पर बिंदी लग गई है अब मैं बना रही हूं अपना जूड़ा सिंपली बालों को ना पीछे करके बस ऐसे एक बार घुमा दिया ठीक है ये बन गया मेरा जूड़ा इसके ऊपर मैंने मेरे पास जो हेयर रबर है ये बहुत अच्छा सा उसको लगा लिया और उसके ऊपर मैंने गजरा लगा लिया ये देखो मतलब ये एक सेकंड वाला जूड़ा होता है जो फटाक से बन जाता है आपको कहीं जाना है आपको सोचना भी नहीं है एक सेकंड में बनता है यहाँ पर सेट कर दिया इसको पिन विन से बढ़िया ये हो गया सेट हमारा अब हम पहनेंगे ईयर ताकि ये जो लुक है ये कंप्लीट लगे और लकली मैंने आज रेड सूट पहना है क्योंकि करवा चौथ लुक है मैंने कहा थोड़ा रेड पहनते हैं रेड के साथ रेड झुमका मैंने कहा थोड़ा सा मजा नहीं आएगी तो मैंने ग्रीन झुमका पहना मेहंदी कलर बहुत सुंदर सा एंड ये झुमका इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं बहुत प्यारा इसका लिंक जो है ना इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आप देख लेना बहुत प्यारा लग रहा था ये झुमका जु, जु, ये जूड़ा ओवरऑल लुक जो है बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही अच्छा है एंड सबसे अच्छी चीज़ है बहुत इजी है यार मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जो आपको लगे कि यार ये करेंगे कैसे या फिर ये बन होगा कैसे मतलब बहुत आसान है जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है से so, यार yeah, आगे जो क्लिप्स हैं उनको एंजॉय करिए और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आया है एंड ये मेकअप लुक मैंने सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है और बहुत दिनों बाद कोई मेकअप बनाया है। मतलब बहुत दिनों बाद आ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक अच्छा लगता है तो ये करवा चौथ मेकअप लुक है नेक्स्ट मैं एक और मेकअप लुक करना चाह रही हूँ चौथ के लिए आप लोग बताना कि कौन सा करूँ आई मीन किस टाइप का मेकअप देखना आप लोग पसंद करेंगे साड़ी पे करूँ या लहंगे पे करूँ या पे करूं? किस तरीके से तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा एंड ऐसे लुक बहुत ही अच्छे लगते हैं सिंपल और सोबर सा लगता है एंड मेकअप भी बहुत ही प्यारा लग रहा है बाद में भी बहुत लग रहा था। बोला कि बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। करिएगा, करिएगा, ये मेकअप लुक पसंद आया इस वीडियो को चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आया हो प्लीज 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 कमेंट डाउन करिएगा कैसा लगा सो so, नए वीडियोस के साथ क्रिएटिव चीजों के साथ को मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ